हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं नाजिश हैदर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाजिश अकेडमी पर तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आई हूं एम पी एपेक्स बैंक में 129 ऑफिसर्स की बहाली आई है तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे एपेक्स बैंक फिर हम देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आज मैं आप लोगों को दो अपडेट के बारे में बताऊँगी पहला ये है और दूसरा ये तो हम पहले वाले के बारे में बात करेंगे यहाँ पर लिखा है एपेक्स बैंक Kader अधिकारियों के 93 पदों पर भर्ती की सूचना तो हम इस पर क्लिक करेंगे फिर देखिए यहाँ पर है क्लिक है टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पीडीएफ खुल चुका है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 93 पोस्ट ऑफ एपेक्स बैंक कैडर ऑफिसर्स अंडर वेरियस क्लास तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी में ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये जो डेट है वो है ट्वेंटी जनवरी टू टू And last date of submission of online application 25th February 2022. Amount of application fee. तो ये है रुपीज़ वन थाउजेंड टू हंड्रेड फॉर ऑल जनरल ओ कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड रुपीज़ नाइन हंड्रेड है फॉर ऑल एस सी एस टी पी एच कैंडिडेट्स एंड एटी परसेंट जी एस टी एक्स्ट्रा एंड ये जो एप्लीकेशन फी है ये नॉन रिफंडेबल है और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो ये एग्जामिनेशन डेट से लगभग सात दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी कोई डेट नहीं आया है जैसे ही कोई डेट आता है मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगी अब बढ़ते हैं आगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन होने के लगभग दस दिन के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा अब हम बढ़ते हैं आगे तो देखिए यहाँ पर बैंक कैडर ऑफिसर के लिए टोटल नाइनटी पोस्ट है और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है एंड उसके अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई हुई है तो पहला पोस्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वैकेंट पोस्ट वो है थर्टीन एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए बताया हुआ है वैकेंसी वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर अकाउंट्स तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थर्टी फोर है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसी फोर है एंड इसी तरह इसके अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई है नेक्स्ट नोडल ऑफिसर तो इसमें भी वैकेंसी जो है नंबर ऑफ पोस्ट वो है ट्वेल्व एंड कैटेगरी वाइज तो आप देख सकते हैं ये बताया हुआ है कि हर कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसीज है तो अब हम बढ़ते हैं आगे तो देखिए यहाँ पर पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया हुआ है पहला पोस्ट है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर कैडर ऑफिसर क्लास वन तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज सी ई एट लीस्ट अ कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना है विद सी ए आई आई बी और डी बी एफ और डिप्लोमा इन कॉपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट और क्वालिफिकेशन और चार्टेड और कॉस्ट अकाउंटेंट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और देखिए सेकेंड पॉइंट पे बताया है कि कैंडिडेट्स को एटलीस्ट एट इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द मिडिल और सीनियर लेवल इन द banking sector and senior or middle level for the purpose shall be taken as the third level scale or cadre onwards that is excluding the first two level scales or cadres in the officer cadre or as the highest two levels scales or cadres below the level of ceo and for next mba or pgdca or mca candidates would be given preference नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर अकाउंट्स कैडर ऑफिसर क्लास थ्री तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद टू ईयर्स एमबीए और पीजीडीबीएम फाइनेंस कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और सी ए स्लैश सी एफ ए फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड नेक्स्ट है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन कैडर ऑफिसर क्लास थ्री तो इसमें कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिस्प्लिन होना चाहिए एंड विद टू ईयर्स एम बी ए और पी जी डी बी एम कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है नोडल ऑफिसर कैडर ऑफिसर क्लास थ्री तो इसमें भी वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए मतलब कि कैंडिडेट को फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद टू ईयर्स एम और पी जी कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए तब तो हम बढ़ते हैं आगे और भी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए कैडर ऑफिसर्स के टोटल इमोल्यूमेंट्स हैं तो फर्स्ट पोस्ट जो हमारा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर तो इसके लिए पे स्केल है सेवेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी से वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एंड टोटल इमोलिमेंट हो जाएगा रुपीज वन लाख टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट पर मंथ नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर अकाउंट्स तो इसके लिए पे स्केल है फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी से नाइनटी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी एंड इसका टोटल इमोलमेंट्स हो जाएगा 28,488 एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी एट पर मंथ नेक्स्ट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन तो इसके लिए पे स्केल है फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी से नाइन्टी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी एंड टोटल इमोलमेंट्स इसका है 28,488 एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी एट पर मंथ नेक्स्ट है नोडल ऑफिसर तो इसके लिए पे स्केल है फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी से नाइन्टी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी एंड टोटल इमोलीमेंट्स हो जाएगा इसका रुपीज़ एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी एट पर मंथ नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की एज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर क्लास वन के लिए है मिनिमम एज लिमिट है एटीन ईयर्स एंड मैक्सिमम फिफ्टी ईयर है इंक्लूसिव ऑफ ऑल एज रिलैक्सेशन पैरामीटर ऑफ एपेक्स बैंक सर्विस रूल एंड एमपी गवर्नमेंट सर्विस रूल नेक्स्ट है मैनेजर अकाउंट्स के लिए एंड मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन क्लास थ्री के लिए मिनिमम एज लिमिट है एटीन ईयर्स एंड मैक्सिमम थर्टी फाइव ईयर्स नॉट मोर देन फोर्टी फाइव ईयर

और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश तो इनके लिए फाइव इयर्स, फिजिकली जो है उनके लिए भी फाइव इयर्स का एज रिलैक्सेशन एंड एक सर्विस मैन और होम गार्ड इनके लिए भी है फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन अब हम बढ़ते हैं आगे तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है फिर पेमेंट ऑफ फीस है फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड फिर अपलोड है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ट्वेंटी जनवरी टू से ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू एंड अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड एंड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि क्या क्या करना है वो आप देख सकते हैं जैसा कि स्कैन करना है फोटोग्राफ सिग्नेचर विद ब्लैक इंक लेफ्ट थम इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक तो इस तरह से है बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ़ फी ऑनलाइन ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है एंड पेमेंट ऑफ़ फ़ीस जो है वो भी ऑनलाइन मोड है और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर के लिए निम ऑफ टेस्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैक्सिमम मार्क्स है वर्जन है सारी चीजें हैं तो देखिए प्रोफेशनल नॉलेज है पहला इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40 एंड नेक्स्ट है रीजनिंग इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होंगे एंड टाइम जो रहेगा इस एग्जामिनेशन का ये होगा 30 मिनट्स का फिर इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्टी है मैक्सिमम मार्क्स फोर्टी है एंड टाइम इसका थर्टी मिनट्स है फिर नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्टी है मैक्सिमम मार्क्स भी फोर्टी है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये होगा ट्वेंटी मिनट्स का फिर नेक्स्ट है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्टी होंगे मैक्सिमम मार्क्स फोर्टी होंगे एंड इसका जो टाइम होगा वो थर्टी मिनट्स का होगा और इन सभी एग्जामिनेशन का वर्जन जो होगा वो होगा इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें 200 मैक्सिमम मार्क्स भी हो जाएंगे 200 एंड टोटल जो टाइम होगा वो हो जाएगा 140 मिनट्स फिर इस तरह से देखिए नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर ऑफ अकाउंट्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड नोडल ऑफिसर तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन तो वो आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया हुआ है स्टेट तो मध्य प्रदेश ही रहेगा यहाँ पर नेम ऑफ सिटी है भोपाल ग्वालियर इंदौर जबलपुर तो इस तरह से किसी भी सिटी में आपका एग्जाम का सेंटर हो सकता है तो ओके मैंने इस अपडेट में आपको की पॉइंट बता दिया है मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट अपडेट की ओर तो यहाँ पर दूसरा लिंक है एपेक्स बैंक अधिकारियों के छत्तीस पदों पर भर्ती हेतु सूचना तो हम इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करना है तो देखिए इस तरह से पीडीएफ खुल चुका है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन थर्टी सिक्स पोस्ट ऑफ एपेक्स बैंक ऑफिसर तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है टेंटेटिव शेड्यूल है इवेंट्स के तो यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड नेक्स्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी तो रुपीज़ वन थाउजेंड टू हंड्रेड है फॉर ऑल जनरल ओ बी सी ई डब्लू एस कैंडिडेट्स के लिए एंड रुपीज़ नाइन हंड्रेड है फॉर ऑल एस सी एस टी पी एच कैंडिडेट्स के लिए एंड एटी परसेंट जी एस टी एडिशनल एंड फी सबमिटेड इज नॉन रिफंडेबल एंड नक्स्ट डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो ये एग्जामिनेशन डेट के लगभग सात दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड नेक्स्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो इसमें भी एग्जामिनेशन का डेट नहीं बताया गया है जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगी एंड नेक्स्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन होने के दस दिन के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा अब हम बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट है एंड उसके अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ है तो आप देख सकते हैं जैसा कि पहला पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर एस एम वन तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है इसमें थ्री एंड कैटेगरी वाइज कौन से कौन कौन से कैटेगरी में कितने वैकेंसीज हैं वो बताए हुए हैं नेक्स्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस एम टू तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है फोर तो इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें थर्टी सिक्स अब हम बढ़ते हैं आगे अब यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए बताया हुआ है तो डिप्टी जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट वन के लिए है तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट होना है इन एनी डिसिप्लिन विद एम और पीजीडीबीएम और सी एंड मिनिमम सेवन ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक ऑफिसर कैटेगरी एंड नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट टू तो इसमें भी फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद ए और पीजीडीबीएम और सी एंड फाइव ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक ऑफिसर कैटेगरी में एंड नेक्स्ट है मैनेजर फाइनेंस और अकाउंट्स मिडिल मैनेजमेंट वन तो इसमें सी और सी एफ ए फाइनेंशियल एनालिस्ट और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद टू ईयर्स एम फाइनेंस और पीजी फाइनेंस ऑल इक्वेलेंट कोर्स फ्रॉम अ गर्वमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम थ्री ईर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस तो इसी तरह से देखिए हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया हुआ है आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर देखिए टोटल इमोलिमेंट्स बताया हुआ है सीनियर मैनेजमेंट वन डीजीएम के लिए पे स्केल नाइनटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी से थर्टी थाउजेंड सिक्सटी तो टोटल इन्वॉलमेंट हो जाएगा इसका रूपीज वन लाख थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी पर मंथ फिर नेक्स्ट है सीनियर मैनेजमेंट टू एजीएम तो इसका पे स्किल है एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन लाख नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन एंड टोटल इमोलीमेंट्स है इसका रुपीज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन पर मंथ फिर नेक्स्ट है मिडिल मैनेजमेंट वन मैनेजर इसके लिए पे स्केल लिए सेवेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी से वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एंड टोटल इमोलीमेंट है इसका रुपीज वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व पर मंथ नेक्स्ट है मिडिल मैनेजमेंट टू डिप्टी मैनेजर तो इसका पे स्केल है सिक्स 56,700 से 99,590 एंड टोटल इम्पोलीमेंट से इसका रुपीस 98,187 पर मंथ नेक्स्ट है जूनियर मैनेजमेंट वन असिस्टेंट मैनेजर इसके लिए पे स्केल है 53,550 से 98,30 एंड टोटल इन्वॉलीमेंट है इसका रुपी सेवेंटी नाइन थाउजेंड हंड्रेड सेवेंटी फाइव पर मंथ नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की एज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो फोर सीनियर मैनेजमेंट वन एंड टू इसके लिए मिनिमम एज लिमिट है एटीन ईयर्स एंड मैक्सिमम फिफ्टी ईयर्स एंड यहाँ पर बताया है इंक्लूसिव ऑफ ऑल एज रिलेक्सेशन पैरामीटर ऑफ एपेक्स बैंक सर्विस रूल एंड गवर्नमेंट सर्विस रूल फिर नेक्स्ट है फॉर मेडिल मैनेजमेंट वन एंड टू तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट है एटीन इयर्स एंड मैक्सिमम फोर्टी इयर्स नॉट मोर देन फोर्टी फाइव ईयर आफ्टर ऑप्टेनिंग एज रिलैक्सेशन एज अंडर एंड यहां पर देखिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अंडर कंपल्शन ओनली फॉर मध्य प्रदेश स्टेट डोमिसाइल तो कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है रिलैक्सेशन फाइव ईयर्स का एस सी के लिए है फाइव ईयर्स का एंड कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश तो इनके लिए फाइव ईयर्स का नेक्स्ट है फिजिकली हैंडीकैप तो इनके लिए भी है फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन एंड फॉर जूनियर मैनेजमेंट वन इज के लिए मिनिमम एज लिमिट एटीन ईयर्स एंड मैक्म थर्टी फाइव ईयर्स नॉट मोर दैन फोर्टी फाइव ईयर आफ्टर अपटेनिंग एज रिलैक्सेशन एज अंडर एंड यहाँ पर बताया हुआ है एक सर्विस मैन और होम गार्ड के लिए एज रिलेक्सेशन है फाइव ईयर्स का अब हम बढ़ते हैं आगे तो हम बात करेंगे हॉ टू अप्लाई की तो यहाँ पर देखिए ए में बताया अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले फिर पेमेंट ऑफिस फिर डॉक्यूमेंट्स स्कैन एंड फिर अपलोड एंड कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एंड यहाँ पर देखिए बिफोर रजिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं एंड एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल है पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक ही आप पे कर सकते हैं फी एंड यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है आप बैंक के इस वेबसाइट डब्ल्यू पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और भी कुछ पॉइंट्स इसमें वो आप देख लीजिएगा एंड पेमेंट ऑफ़ फ़ी जो है वो ऑनलाइन मोड है द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड रुपए वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो क्रेडिट कार्ड्स इंटरनेट बैंकिंग आईएमपीएस कैश कार्ड्स और मोबाइल वैलेट्स एंड यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर हैं बताया हुआ ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होगा और सभी पोस्ट के लिए बताया हुआ है यहाँ पर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर डिप्टी जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट वन असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट टू मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट वन डिप्टी मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट टू एंड असिस्टेंट मैनेजर जूनियर मैनेजमेंट वन इन सभी के लिए तो देखिए नेम ऑफ टेस्ट जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे फोर्टी मैक्सिमम मार्क्स रहेगा फोर्टी एंड टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा इसका थर्टी मिनट्स एंड रीजनिंग है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्टी मैक्सिमम मार्क्स फोर्टी एंड टाइम रहेगा इस, इस एग्जामिनेशन का थर्टी मिनट्स नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज

एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होंगे 200 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे टोटल 200 एंड टोटल टाइम जो रहेगा टाइम ड्यूरेशन वो हो जाएगा 140 फोर्टी मिनट्स नेक्स्ट कैंडिडेट्स अप टू अप्री टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट विल क्वालिफाई टू अपियर फॉर पर्सनल इंटरव्यू दैट इज टॉप थ्री एज पर स्टैंडिंग इन द मेरिट लिस्ट अगेंस्ट ईच एडवरटाइज पोस्ट और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर है स्टेट मध्य प्रदेश और नेम ऑफ सिटी यहाँ पर दिया हुआ भोपाल ग्वालियर इंदौर जबलपुर ये सारे सिटीज के नेम हैं तो यहाँ पर आपके सेंटर्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन के और यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिएगा तो ओके okay दोस्तों ये थी आज की जानकारी मैंने जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दिया है बाकी का आप पी में पढ़ सकते हैं एंड इसी तरह का गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स अपडेट के साथ